औरतों ने हर सेक्टर में अपने पांव जमा लिए हैं और बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करती हैं। इसलिए आज हम आपको ऐसी ही एक महिला से मिलवाने जा रहे हैं जो वो काम कर रही हैं जिसमें तकरीबन आपने पुरुषों को ही देखा होगा। नमस्कार, अर्थकाश देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का, मैं शीना एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। चलिए सस्पेंस को साइड पे रखते हुए आपसे मुलाकात करवाते हैं ऑटो महिला चालक। जी हाँ, आपने सही सुना, ऑटो महिला चालक। पूजा जी स्वागत है आपका। पूजा जी आप ये बताएं कि आपने ऑटो कब से चलाना शुरू किया? ये मैंने एक साल से मतलब पहले चलाया था, काफी टाइम पहले छोड़ दिया और मैंने दीपावली पे कटवाया है तो अभी मेरे को 10 दिन हो चलाए चलाते हुए। इससे पहले भी आप ऑटो चला रहे थे? नहीं, इससे पहले मैंने थोड़े दिन चलाया था, फिर मैं जॉब करने लगी थी बियासी प्लाई बोर्ड रहा। तो यही काम क्यों आपने? मैं जॉब करने से पुराना नहीं उठता था, इसमें खर्चा निकल जाता ठीक ठाक। और औरतों के लिए तो बहुत से काम होते हैं, जैसे वो टीचिंग कर सकती हैं, कपड़े सी सकती हैं, तो आपने यही क्यों काम चुना, इसी में क्यों ध्यान दिया कि आपको ऑटो चलाना? मेरे को ऑटो की ख्वाहिश थी, इसके करके मैंने ऑटो ही करना है। आपके ऑटो चलाने पे आपके परिवार ने कभी कोई आपत्ति? नहीं नहीं, कोई नहीं। आपके परिवार में कितने जन? मेरे परिवार में मम्मी है, पापा है, भाई है, भाभी। आपके ऑटो में पूजा जी हर दिन तरह तरह की सवारी आके बैठती है, कभी कभी किसी सवारी ने नशे किए होते हैं, तो आपको डर नहीं लगता ऐसे में? आप ऐसे सवारी बिठाते ही नहीं, तो आप अपने प्रोटेक्शन के लिए यही सोचती हैं कि आपने उस सवारी को बिठाना है, तो आपको गुजारा हो जाता है? हाँ जी। आप दिन में कितना कमाते? 600। और मंथ का कितना हो जाता है? हो जाता है कम से कम 15-14 के करीब। यानी कि आप ये कह रही हैं कि आप महीने में 1400-1500 आपके लिए वो आपका गुजारा हो जाता है उसमें? और या अगर मान लीजिए कहीं एमरजेंसी में आपको आपकी ऑटो की एमरजेंसी होगी, आपको रिपेयर में जाना लेके हैं, तो आप क्या करेंगे? जमा पूंजी जोड़ के रखी उसमें से निकाल लेंगे, लेके जाएंगे। पूजा जी आपने ऑटो चलाने का काम सुना है और इससे पहले आपने बताया कि आपकी जो भी मजबूरियाँ रही आपने ऑटो चलाने की, तो आप ये बताइए कि आप आगे के आपके क्या प्लान है? अभी कुछ सोचा ही नहीं। अभी आप सिंगल है या मैरिड है? मैरिड। तो आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया इस बार? फ्रेंड ने किया मेरी। ठीक है। पूजा जी आपने बताया कि आप मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हैं? हाँ, दो बेटी हैं मेरे पास में। तो आपके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं या वो नहीं? वो आपके साथ नहीं रहते? तो आपको फिर आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया, आपकी फ्रेंड ने सपोर्ट किया? हाँ जी। तो आप जो और लेडीज हैं, महिलाएं हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, यही है जैसे कि इनके हस्बैंड से नहीं, इनके बन के अपना करो, खाओ, जैसे जो अच्छा लगे काम करो, अपनी मेहनत करो, आगे बढ़ो। पूजा जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पूजा जी के इस जज्बे को, हौसले को देख के हर कोई यही सोचेगा कि हमें भी इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ना है। जैसे पूजा अपने काम की पूजा करती हैं, वैसे ही वो अपने आगे फ्यूचर में भी आगे बढ़े, ऐसी भी हमारी कामना है। और उम्मीद है कि आपको भी पूजा से मिलके अच्छा लगा होगा। ऐसी और भी इंस्पायर करने वाली कहानियां हम आपके सामने जरूर करवाते रहेंगे। तब तक के लिए ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।